किसान भाई नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए मेरे पास है ये इपको कंपनी का सागरिका प्रोडक्ट, एक प्रकार का समुद्री घास है। आज वर्तमान स्थिति में क्या होता है कि सभी किसान द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसका कार्य क्या है, किस तरह से कार्य करता है तथा इसको एक एकड़ में कितना डालना है और कब डालना है, संपूर्ण जानकारी लेकर इस वीडियो में प्रस्तुत हो रहा हूँ। इसमें एक एक जानकारी मैं आपको बताऊँगा, इसलिए वीडियो आप बहुत ही उपयोगी, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर यह वीडियो आपको देखना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। और अगर चैनल में आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाले घंटे बटन को भी दबा लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं किसान ऑफिस। यह जो प्रोडक्ट है यह समुद्री घास द्वारा तैयार होता है। समुद्र में जो घास पाया जाता है वो क्या होता है कि पूरा ऊपर से लेकर गहराई तक होता है, जहाँ की सूर्य का रोशनी भी नहीं पहुँच सके वहाँ पर यह घास पनपता है। इससे यह साबित होता है कि यह अपने आप को जीवित रहने के लिए बिना प्रकाशन किए भी अपना भोजन तैयार कर लेता है। तो समझ सकते हैं कितना ताकतवर होता है यह घास। तभी अभी इसका इस्तेमाल सभी जगह, आप चाहे धान फसल हो जाए, मक्का फसल हो जाए, दलहन फसल हो जाए, तिलहन फसल हो जाए, सब्जी वाली फसल हो जाए, हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है। यह जो प्रोडक्ट होता है इसमें आपका जो प्रमुख प्राइमरी तत्व होता है जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सेकेंडरी तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर तथा जो माइक्रोन्यूट्रेंट है जिसमें कि आयरन, मोलिब्डेनम, निकिल, बोरान, इसके बाद आपका जिंक, ये सब जो तत्व है सभी इसमें पाया जाता है, जो कि पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यह छिड़काव करने से जो इस पौधे में जो कमी होता है तत्व को, इसको पूर्ति कर देता है। साथ ही साथ क्या होता है, इसमें आपका पाया जाता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो हार्मोन से क्या करता है कि जो पौधों में जो सेल है, सेल डिवीजन को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है पौधे का वृद्धि होता है। दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन क्या करता है कि जड़ों का वृद्धि करता है तथा वो जो पौधे का उपशीर्ष भाग है उसको बढ़ाता है। इस वजह से पाया जाता है आपका जिबरेलिन। जिबरेलिन क्या करता है, सेल इलिंगेशन करता है तथा सेल का वृद्धि को बढ़ाता है, साइज ऑफ सेल मतलब सेल का साइज को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है पौधे का वृद्धि बढ़ता है। इसी तरह से इसमें क्या होता है कि फाइटोग्रोथ इंग्रेडिएंट पाया जाता है जिससे पौधे का वृद्धि होता है। अर्थात कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि एक ही तत्व है, लेकिन आपका पौधे में इसका छिड़काव करने से पौधे का जो संपूर्ण आवश्यकता है, संपूर्ण न्यूट्रिएंट को यह पूर्ति करता है। अब हम बात करते हैं इसको फसल में उपयोग कब करना है। जैसे कि अगर आप रोपाई कर रहे हैं या तो कुछ बुआई कर रहे हैं, मैं बताऊंगा। जैसे मेरे पीछे धान का फसल देखिए, इसमें इस्तेमाल किया गया है। अगर आप धान का रोपाई कर रहे हैं तो रोपाई करने से 8 से 10 दिन बाद इसका आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप कुछ बुआई कर रहे हैं तो बुआई के समय आप ब्रॉडकास्टिंग इसका कर सकते हैं, या तो जैसे आप सब्जी वाले फसल लगा रहे हैं तो सब्जी लगाने के बाद क्या कीजिए, आप जब उसको निराई गुड़ाई करना है, निराई गुड़ाई करने से उसके जड़ों के पास इसको प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका हम मात्रा के बारे में। तो एक एकड़ में आपको इसको 8 से 10 किलो उपयोग करना है। महत्वपूर्ण बात है कि जो यह सागरिका है पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हो, यहाँ जो प्रोडक्ट है सागरिका आपके लिए एक प्रकार से वरदान हो सकता है। आपको बिना किसी प्रकार का जो अन्य तत्व इस्तेमाल किए बिना इसका इस्तेमाल करके आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका मूल्य क्या है। अगर आप इसको आप शासकीय संस्था से लेते हैं तो जो MRP है 515 में आपको मिलेगा, लेकिन अगर निजी विक्रेताओं से अगर लेते हैं तो आपको लगभग 450 रुपये में आपको यह प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा जो जानकारी आपको इस वीडियो में दिया गया है, अगर आपके लिए उपयोगी है, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।